नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज महोबा। बाइक चोरी की शिकायत की पुरानी रंजिश में दबंगों ने पति पत्नी सहित पूरे परिवार को मारपीट कर किया लहूलुहान। पीड़ित परिवार के 5 लोग अस्पताल में भर्ती। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पति पत्नी सहित पूरे परिवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। एक परिवार के 5 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वही पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर कार्यवाही न करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से नामजद आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल यह घटना जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुपाखुदा इलाके की है, जहां रहने वाले राकेश कुमार राजपूत की 8 माह पूर्व बाइक चोरी हो गई थी, जिस पर गांव में ही रहने वाले अजय पुत्र निर्भय सिंह के खिलाफ बाइक चोरी करने की लिखित शिकायत पुलिस से की गई थी। इसी को लेकर अजय और उसका पूरा परिवार रंजिश मानता है। बताया जाता है कि 8 माह पूर्व बाइक चोरी की पुलिस में शिकायत के चलते अजय और राकेश के परिवार के बीच रंजिश चली आ रही है। आरोप है कि पूर्व में राकेश की लाइसेंसी बंदूक को भी दबंगों ने तोड़ दिया था, जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गई, मगर कोई कार्यवाही न होने से दबंगों के हौसले बुलंद रहे और अब खेत में काम करने के दौरान पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आज जब खेत में राकेश राजपूत अपनी पत्नी और परिवार के साथ कृषि कार्य करा रहा था, तभी अचानक अजय और उसका पूरा परिवार लाठी डंडों और फरसों से हमलावर हो गया। खेत में सभी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित की पत्नी रामश्री बताती है कि खेत में काम के दौरान अचानक अजय और उसके परिवार के एक दर्जन लोग हमलावर हो गए। उसके पति को बेरहमी से मारा पीटा गया है और जब वह बचाव करने गई तो उसके सर पर फरसे से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया गया। इस मारपीट में पिता माँ को बचाने पहुंचे राहुल, रितेश, शैलेंद्र के साथ भी मारपीट की गई है। आरोप है कि सभी दबंग पूरे परिवार को मारपीट कर मौके से फरार हो गए। बमुश्किल ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खून से लथपथ पूरे परिवार ने दबंगों की दबंगई की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है। वही आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूरा परिवार डरा हुआ है और गांव में रहने से भी घबरा रहा है। उक्त मामले में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखने और कार्यवाही किए जाने की। क्या घटना हो गई आप लोगों से? अरे परिवार के रहने आयो फसल ले लेके बस उन्होंने आदमी के मारन लगे, हम बचाने लगे कि पैर पर दो परसस में ते कट गया दस्टा की लगी और बस फिर दो सु घोड़ी में सुबह चुड़ी फेन आदमी के कहा था मार डारो उन्हें मार डारो सु मैं गई बचाऊ से मुझे दूसरो तो जो हाथ टूट गो। क्या बजे है? पहली गाड़ी चुरा लाई थी सामने कही की कहाँ रहे ऐसा ही देखिए भैया मुँह का तो भूला तक नहीं बनाता है। इतनी पूरी कर आई को चर गई पूरी भूरी ने और रुख सोना ने और अजीत की मोड़ी ने उस्ताद ने सामनन के डर डर के मारो। कितने घायल हो गए? 5 लोग हैं और सबके मार के डर गए थे। क्या घटना हुई? घटना 8 महीने पहले हमारी बाइक चोरी हुई थी, हमने FIR की, उसमें कोई बाइक मिली नहीं है, तभी से वो लोग दबंग हो गए। ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद बाइक चोरी होने के बाद 3 महीने बाद हमारी लाइसेंसी बंदूक पिताजी के नाम, उन लोगों ने बंदूक तोड़ डाली, हमने FIR की, उसमें कोई लू नहीं मिला। तीसरा हमला किया उन लोगों ने। ठीक है, तो फरसे से कुल्हाड़ी से डंडों से हम 5 लोगों को मार के चले गए। उन लोगों ने तो सोचा था कि मर गए, लेकिन भगवान ने बचा लिया। और वो लोग दमंग हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, राजन हिस्ट्री सीटर है और अजय जो है उसने फरसे से हमला किया और कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया और इनके ऊपर पुलिस कोई सुनाई नहीं रही हमारी को। क्या घटना हो गई आप लोगों से? मारा है उन लोगों ने। क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या हो गया? पहले हमारी बात चोरी हो गई थी, फिर वही रंजे थे भैया, बीच में 2 महीने पहले बंदूक बंदूक तोड़ डाली है, फिर कल घटना हो गई। कौन लोग हैं ये जिन्होंने मारपीट की? चोपड़ा फुड़े के हैं, दमंग लोग हैं। कौन कौन थे? राजेंद्र है, विक्रमाती अजय है, विनोद है, निर्भय है, मुन्ना भैया है, राम कुमार। अच्छा कल क्या हुआ? कल क्यों मारपीट कर दी, क्या हो गया? वही पुरानी रंजित गाड़ी बाइक चोरी हो गई थी हमारी।
कितने लोग घायल हो गए आप लोग? 5 लोग। कौन कौन घायल है? हमारी चाची रामचुरी, रितेश, चाचा हमारे राकेश, शैलन, छोटा भाई मेरा राहुल। पुलिस में शिकायत की आप लोग? पुलिस में शिकायत की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही।